अयोध्या में बन रहे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा बुधवार को पास कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शे पर मुहर लगा दी गई है। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया और करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अयोध्या विकास प्राधिकरण को डेवलपमेंट मेंटेनेंस सुपरविजन फीस के साथ लेबर सेस भी देना पड़ेगा। सारे टैक्स मिलाकर माना जा रहा है कि करीब 5 करोड़ हो सकता है। ट्रस्ट की तरफ से जमा की जाने वाली ये शुल्क आयकर छूट के बाद की है। बोर्ड से मानचित्र की मंजूरी के बाद प्राधिकरण शुल्क जमा करने के लिए ट्रस्ट को पत्र जारी करेगा। ट्रस्ट उसी के बाद धनराशि जमा करेगा। धनराशि जमा होने के बाद ही प्राधिकरण स्वीकृत नक्शा ट्रस्ट को सौंपेगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।